अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो वो देखें, पब्लिक देखें, पब्लिक ऊपर चढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माजरत, आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ वीडियो के थ्रू फिज़ागढ़ से आगे कलाम। तो कलाम जाने के लिए हम लोग पहले, हमें फिज़ागढ़ में हमारा होटल था तो वहाँ हमने स्टे किया, वहाँ से सेकेंड डे हम लोग मूव किया। पहले अगर आप लोग मेरी वीडियो देखें तो वो मालम जब्बा की वीडियो है, तो ये है पूरा व्यू, बहुत हसीन व्यू था और -6 पे टेम्परेचर गया हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा मतलब कुल्फ़ी फुल ऑन जमी हुई थी। अगर आप लोगों ने मालम जब्बा वाला ब्लॉग देखा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बर्फ़ थी और कितना ख़तरनाक वेदर था। और शुक्र है कि हम लोग 26 तारीख को या 24 तारीख को, ये 24 तारीख की वीडियो है जो कि मैंने एडिट कर रही हूँ। आज मैं 8 तारीख को, आज एडिट मैं 8 तारीख को करते रही हूँ, 8 दिसंबर को। बट आज के दिन अगर आप लोग आज वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये मालम जब्बा, कलाम, मरी, ये सब जो है सब कुछ बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ ऑलरेडी स्नोफॉल हो रही थी, स्नोफॉल होकर हटी थी जब हम वहाँ थे। वहाँ एट अ टाइम स्नोफॉल नहीं थी, मगर वहाँ कुछ घंटों पहले या कुछ दिन पहले हो रही थी कंटिन्यूसली, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ पर स्नोफॉल नहीं मिली लेकिन बर्फ़ मिली थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों की टिकट थी 30 तारीख को, तो हमने आना था वापस 30 तारीख को, 30 दिसंबर को, मगर कुछ ऐसे हालात हो गए, तबीयत सबकी ख़राब हो गई, आगे हम लोगों का इरादा ही नहीं हो सका। हमने पूरा सोचा था, प्लानिंग करके आए थे, वापस के टिकट्स करवा कर आए थे 30 तारीख को, हमने कहा सोचा था 30 तारीख को हम बैठ जाएंगे और 1 तारीख या 2 तारीख तक आराम से अपने अपने कामों पे सब कुछ कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ हम लोग 24-26 तारीख के बाद हम लोगों की कुल्फ़ी जमने लग गई और हम लोगों ने सोचा कि वापस आ जाएं, और हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हमें वापस आना चाहिए, क्योंकि अब जो है 8 दिसंबर 2022, आज के दिन मरी में बहुत बुरा हाल है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स दिखाऊँगी, ये जिस तरह आपको क्लियर वेदर दिख रहा है ना, मतलब अगर आप दूसरी दुनिया मतलब कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको बर्फ़ दिख रही है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा था हमें यहाँ पे जाने के लिए, लेकिन अगर आप इस जगह पे इस टाइम पे, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ है। मैं आपको यहाँ वीडियो नहीं दिखा सकती लिटरली, वरना मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखाती और आपको बताती कि क्या हाल है वहाँ पर। बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रॉलर्स गिर रहे हैं, बहुत बुरा गाड़ियों का हाल हुआ हुआ है, निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप लोग वीडियो आज देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, अगर आप लोग बाद में देख रहे हैं तो शायद आप लोगों को इतना ना पता चले, लेकिन यहाँ मैं पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ, आप लोगों को ज़रूर देखिएगा। अल्लाह रहम करे जो भी कुछ हुआ है मरी पर। तो बस ये थे वहाँ के हालात, तो मैंने आपको पहले दिखा दिया कि क्या हालात हैं, अब लोग आगे जाके देखिएगा कि लिटरली वहाँ जब हम लोग कलाम और मालम जब्बा पहुँचे हैं तो वहाँ के क्या हालात हैं। ये जो पानी चल रहा है ना इस टाइम पे, ये पानी वहाँ नहीं चल रहा है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये पानी जम गया है। तो चलें आप लोगों को आगे का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ देर के लिए रुका था पॉइंट, अब आगे की तरफ दोबारा मूव कर रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पीछे की तरफ जो पहाड़ है वहाँ पर पूरी बर्फ़ पड़ी है, तो हमें वहाँ की तरफ जाना था कलाम। तो बस रास्ते में आप लोगों को अपने साथ लेके जा रही हूँ, और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं वीडियो में और सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हम लोग किसके साथ गए थे, किस टूरिज्म वाले के साथ गए थे, और टूर में हमें किस तरह का पैकेज मिला था, किस तरह के लोग थे, वो सब कुछ अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो पूरी इसकी एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये सवाद का ही कोई बाज़ार भी था, और इसी तरह यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ थे और एक अलग ही दुनिया लग रही थी, बहुत ठंड थी, अलग ही मज़ा था यहाँ का, बहुत मज़ा आया यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लिटरली पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है।
नाउ फाइनली वी आर इन कलाम। तो ये कलाम का एक मंज़र है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड जा रही है, बहुत सीधी है और बहुत ख़तरनाक रोड है। यहाँ से सिर्फ एक रोड एक गाड़ी आ सकती है और एक गाड़ी जा सकती है, इससे ज़्यादा इतना नहीं है यहाँ पर डिस्टेंस के दो गाड़ियाँ या ज़्यादा रश हो तो ये इतने आराम से यहाँ पर ट्रैवल हो नहीं। और यहाँ का ये एक बहुत खूबसूरत मंज़र था कि यहाँ पर बहुत लंबे लंबे जो हैं दरख्त थे, बहुत खूबसूरत दरख्त थे और बहुत हरियाली थी। अगर आप ऊपर की तरफ देखें और नीचे जो था वो जंगल का व्यू दे रहा और बहुत जंगल टाइप लग रहा था। रात के वक्त बहुत हॉरिबल लग रहा था, अकेले और इस तरह एक प्राइवेट गाड़ी में आप यहाँ पे नहीं आ सकते, बहुत ख़तरनाक व्यू लगता है क्योंकि जाहिर सी बात है कोई आगे पीछे नहीं होता और अकेले हो तो ज़्यादा डर लगता है और ज़्यादा लोग हो तो फिर थोड़ा बहुत आसरा होता है कि हाँ कोई तो है साथ। तो बस इस तरह थोड़ा सा आगे जाते जा रहे हैं, ढाबे आ रहे हैं जो कि ढाबे सर्दी की वजह से बंद थे, कुछ ढाबे खुले हुए थे कुछ ढाबे बंद थे। तो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ कॉर्नर पर दिख रहा होगा गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो है इनका पॉइंट, वहाँ आके ये लोग रोक देते हैं। ये देखिए यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं तो यहाँ इन्होंने रोक दिया है। बस इन्होंने रोकने के बाद कहा कि अगर आप लोग आगे जाना चाहते हैं तो आप लोग आगे रेंट पे कार लेकर जा सकते हैं ड्राइवर के साथ। तो हमने भी ये किया और हम लोग जाने लगे। ये देखें कितना प्यारा मंज़र है, ख़तरनाक भी है लोगों के लिए। उनके ठेले के ऊपर से पानी गिर रहा है, ये देखें ज़रा लोगों की चीज़ें ख़राब हो रही हैं लेकिन इन लोगों को आदत होती है। तो इस तरह से बहुत कच्चे घर होते हैं और इस तरह का खूबसूरत मंज़र होता है, हमारे लिए खूबसूरत है, डेफ़िनेटली हमारे लिए बहुत खूबसूरत है और हमारे लिए बहुत आम सी बात है कि इतना खूबसूरत है सब कुछ। इन लोगों के लिए जो ये सब कुछ फेस करते हैं, ये देखें किस तरह से पानी यहाँ पर आ रहा है, जिस तरह से ये लोग फेस करते हैं उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो गई थी ठंड में। लेकिन ये लोग कहते हैं हम जिसके साथ ट्रैवल कर रहे थे, जो ड्राइवर था हमारे साथ जो हमें प्राइवेट गाड़ी में लेके जा रहा था, तो उसने कहा बाजी इन लोगों को आदत होती है, बल्कि वो ख़ुद जो था वो लाहौर से आया हुआ था तो उसने कहा कि हम लोगों को, मुझे भी आदत नहीं है लेकिन इन लोगों को आदत होती है। तो हम लोग बस उसके साथ ऊपर जा रहे थे, उसने कहा अच्छा वहाँ से जहाँ इन्होंने रोका था वहाँ से ऊपर जाने के लिए भी हमें तकरीबन 2 घंटे लगे थे या मैक्सिमम 1.5 घंटा लगा था, क्योंकि हमें ट्रैफिक भी मिला था, काफ़ी गाड़ियां ऊपर जा रही थी क्योंकि नीचे जो थी बर्फ़ नहीं थी। इस तरह से हम थोड़ी हाइट पे आए हैं तो हमें ये कॉर्नर्स पे बर्फ़ मिली है, लेकिन हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो अब आप लोगों को पूरा मंज़र जो है ना वो आपको बर्फ़ वाला मिलने वाला है। और जो है जो पानी चलता हुआ पानी था वो रुका हुआ भी आपको बहुत जगहों पे मिलेगा। तो चले आप लोग थोड़ा सा व्यू इन्जॉय करें, बहुत प्यारा व्यू है और बहुत खूबसूरत है। कैप्चर शायद मोबाइल इतना अच्छा नहीं कर पा रहा और गाड़ी में चलते हुए ही मैं वीडियो बना रही थी तो वो इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन जो रियलिटी में देखने का मज़ा था ना, ये देखें पानी चल रहा है और आगे जाके यही पानी जो है वो एक जगह जमा हुआ है। यहाँ से हमें ऊपर जाने के लिए गाड़ी करानी पड़ी है रेंट पे, जो कि हमें तकरीबन 4,000 की पड़ी है। और इस तरह से हमें ये पूरा आने जाने का दोनों टाइम का ट्रेवल देते हैं, और क्योंकि बहुत ख़तरनाक जगह से लेके गए हैं तो इतना तो इनका राइट बनता है। तो इसी तरह यहाँ पे थोड़ा आगे आए हैं तो एक होटल था और एक इस तरह का छोटा सा रेस्टोरेंट था, तो यहाँ इन्होंने रोका था तो उन्होंने कहा था 5 मिनट यहाँ पे स्टे कर लें। तो ये वहाँ का व्यू है और यहाँ पे अब जब हम थोड़ा ऊपर आए हैं तो हमें ये बर्फ़ मिलना शुरू हो गया और यहाँ पे वॉशरूम में पानी रखा हुआ था एक टब में, वो टब में पानी नहीं था वो बर्फ़ थी। बहुत यहाँ पे आके हमें महसूस हुआ कि हाँ हम बर्फ़ में खड़े हैं। ये देखें बहुत ख़तरनाक जगह थी लेकिन बहुत प्यारा व्यू था, बहुत प्यारा, ये देख सकते हैं आप लोग। या अल्लाह ये तो स्लिपरी है, यहाँ आने के लिए हमें ये गाड़ी ही लेनी पड़ेगी। बलुंगा पास इस जगह का नाम है और ये ऐसी है ये पूरी जगह, और यहाँ पे लोग जो हैं ऊपर चढ़ रहे हैं। मेरा हाथ इस टाइम पे शदीद कपकपा रहा है, इस तरह की गाड़ियों में लेनी पड़ रही है। ये गाड़ी का रेंट जो है मैक्सिमम 4,000 है और मेंबर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि 5 सीट की गाड़ी है तो 5,000-7,000 की रेंट पर कार आपको मिलेगी और यहाँ पे 2 या 3 फीट बर्फ़ आपको मिल सकती है। जगह का नाम क्या है? पलोगा। ये फैमिलीज आई हैं, लड़के आए हुए हैं, 4 तरफ चाय का भी इंतज़ाम है बहुत अच्छा खासा।
इससे आगे रास्ता है और इससे आगे भी है, वहाँ जाएंगे क्या हम? वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो वो देखें, पब्लिक देखें, पब्लिक ऊपर चढ़ रही है। तो ये था पूरा मंज़र। यहाँ पे तकरीबन 5 बज रहे हैं और 5 बजते ही यहाँ पर, 5 भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, शायद यहाँ 4:45 हो रहे हैं और इस तरह का कुछ टाइम था। और यहाँ पर अंधेरा छाने लगा था बड़े बड़े पहाड़ों की वजह से, क्योंकि पहाड़ जो है वो पूरी रोशनी को ब्लॉक कर रहे थे और ये इस तरह का मंज़र हो गया था कुछ। तो छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और आप लोगों को पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग अब कौन सा व्लॉग देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।